इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी का जो पीटी पीएचटी 24 तारीख से होने वाला था वो कैंसिल हो गया था। अब नया डेट आ चुका है कि आपका कब से आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये नोटिस जारी किया गया आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल का ही डेट में इस नोटिस को बनाया गया है। यहाँ पर कंडक्टर पीएचटी पीटी के लिए यहाँ नोटिस जनरेट किया, इसमें लिखा गया है कि किस प्रॉब्लम से आपको 24 तारीख से नहीं हुआ था और किस डेट से नया डेट है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक डेटा ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एट टू रिसीव फ्रॉम एसएससी, यानी पहले उनके पास कोई डेटा नहीं था एसएससी के थ्रू, सीआरपीएफ ने कोई डेटा नहीं लिया था बायोमेट्रिक का, जिसके कारण उनको फिजिकल 24 तारीख वाला रद्द करना पड़ा। अब आपका पीटी पीएचटी आपका हो जो अप्रूव हो चुका है, मतलब इनका जो बायोमेट्रिक अप्रूव हो चुका है, जिसके वजह से पीटी पीएचटी कराएंगे। और इसमें बोला गया नाउ स्टार्ट आपका 1/5/2023 एक मई से स्टार्ट होगा, और किसके जगह पे 24 तारीख के जगह पे 1 मई से आपका पीटी पीएचटी स्टार्ट होने वाला है। अब 1 मई से कितने दिन चलता है वो बाद में कोई नोटिस आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इस नोटिस में इतना ही लिखा हुआ है, नोटिस देख सकते हैं और यहाँ पे डेट वगैरह सभी देख सकते हैं। एनके सिंह डीआईजी रिक्वायरमेंट सीआरपीएफ का इनका साइन भी है और डेट भी मेंशन किया हुआ है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो कि फिज़िकल से रिलेटेड, फिज़िकल के डेट से रिलेटेड, जो कि कंफर्म हो चुका है कि 1 मई से ही आपका होने वाला है। तो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।